श्री वृंदावन और ब्याज रूप से आपको चुपता कर दी श्रीमद् भागवत की कथा प्रदान कर दी। मेरे प्रभु जब कृपा करते हैं तो उनकी कृपा छोटी मोटी नहीं होती। जन्मांतरे भवित पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब जब जिसको जिस रूप में भी कथा की प्राप्ति हो रही हो भैया, ध्यान रखना ये कथा उसी को ही प्राप्त होती है। कहीं भी कथा हो रही हो, कोई भी महापुरुष आपको कथा सुना रहा हो, तो ध्यान रखना ये कथा उसको ही प्राप्त होती है जिस पर मेरे ठाकुर जी की कृपा हो जाती है। न ये कथा धन बल से मिलती है, न जन बल से मिलती है, न प्रतिष्ठा के बल पर प्राप्त होती है। कहां करता हूं मैं, जिस जिस को कथा जब जब जहां प्राप्त हो रही हो, तो मेरे राधा रानी और मेरे बांके बिहारी जी की कृपा के बल पर ही प्राप्त हो रही है। और इसमें किसी का विशेष कृपा नहीं हो सकती है। आप वृंदावन में हैं और भागवत के महात्म्य जिसको कथा को सुनने जा रहे हो, महात्म को कथा के लिए तीन स्थान बताए हैं। तीर्थ हो माने धाम हो, वन हो या घर हो, लेकिन तीनों का नाम लेकर के भागवत में कहा है विशाला वसुधा। ये बात विशिष्ट कही है कि विशाल भूमि होना चाहिए, ऐसा भागवत में लिखा है विशाला वसुधा। लेकिन ध्यान रखना, आप लोग परम भाग्यशाली हैं, वृंदावन में जो कथा हो रही है इस कथा में हमको तीनों का दर्शन हो रहा है। वृंदावन वन भी है, वृंदावन धाम तीर्थ भी है, और वृंदावन मेरे बांके बिहार जी का घर भी है। किसी को कथा वन में प्राप्त हो सकती, वन माने किसी बगीचे में या किसी ग्राउंड में, पर वहां पर बिहार जी का घर थोड़ी मिलेगा, वहां तीर्थ नहीं हो सकता है, धाम नहीं हो सकता है। पर वृंदावन में कथा की प्राप्ति का अर्थ यह है, कहते हैं सुलभम वृंदा विबने निखलेशम भक्ति लेशतो वश्यम। शास्त्र कहता है कि मैं उन राधा कृष्ण बांके बिहारी जी के चरणों में प्रणाम करता हूं जो दुर्लभ है। कोई कहे कि हमको सहज में ठाकुर जी प्राप्त हो गए तो ऐसा अभिमान मत करना। शास्त्र कहता है कि वो दुर्लभ है, लेकिन जो श्री वृंदावन में आए हैं, वृंदावन की धरती का जिनको स्पर्श हुआ है, इस पवित्र धाम में जो व्यक्ति आए हैं, तो वृंदावन में जो आ गए हैं उनको बांके बिहारी जी और श्री राधा रानी सुलभ हो गए हैं। सुलभम वृंदा विपने, थोड़ी सी भी लेश मात्र भी भक्ति अगर हमारे हृदय में उत्पन्न हो जाए, धाम का आश्रय लेकर के, भागवत का आश्रय लेकर के, तो शास्त्र कहता है कि भक्ति लेशतो वश्यम। मेरे ठाकुर जी यदि किसी के वशीभूत होते हैं, किसी की पकड़ाई में आते हैं मेरे बिहारी जी, तो जिसके अंदर उनकी भक्ति होती है उसके ही पकड़ाई में मेरे बाकी बिहारी आते हैं। भक्ति लेशतो वश्यम, लेश मात्र भी यदि ठाकुर जी के चरणों में प्रेम हमारा हो जाए, तो जिस कथा को तुम श्रवण करने के लिए बैठे हो भैया,
ये कथा का प्रभाव जीवन में कब होगा, हम ठाकुर जी की भक्ति को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये भागवत में आपको श्रवण करने के लिए मिलेगा। तो यहां धाम भी है, यहां वन भी है और यहां ठाकुर जी का घर भी है। क्योंकि एक बार प्रयाग में सभी तीर्थ पहुंचे थे, बहुत बड़ा वहां कार्यक्रम था, तो सभी वहां तीर्थ गए लेकिन वृंदावन प्रयाग में नहीं गया। जब उत्सव पूर्ण हो गया तो प्रयाग राज्य ने सबकी हाजिरी ली कि कौन कौन तीर्थ कौन कौन धाम प्रयाग में आया, तो वृंदावन ही नजारत था। वृंदावन नहीं पहुंचा, भगवान कृष्ण के पास गए प्रयाग और जाकर के ठाकुर जी को प्रणाम करके कहा कि प्रभु आपने मुझे तीर्थों का राजा बनाया है ना। प्रभु ने कहा आप तीर्थों के राजा हैं, तो मेरे तीर्थ में सभी तीर्थ आए लेकिन वृंदावन नहीं आया। इस वृंदावन ने हमारी उपेक्षा की, तो भगवान कृष्ण प्रयागराज जी को क्या बोले मालूम है? प्रयाग ने से भगवान कृष्ण बोले कि प्रयागराज जी आप तीर्थों के राजा हैं, आपको मैंने तीर्थों का राजा बनाया है न कि अपने घर का राजा। वृंदावन मेरा घर है, आप मेरे घर के राजा नहीं है, आप तीर्थों के राजा है। तो आप सोचिए इस वृंदावन की महिमा कितनी अद्वितीय है, जहां बैठकर के आपको श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने को प्राप्त हो रही हो। किसी भक्त ने भगवान को पूछा, प्रभु आपको लक्ष्मी प्रिय है? हे नारायण, हे कृष्ण, आप लक्ष्मी को प्रेम करते हैं? तो भगवान ने कहा लक्ष्मी तो मेरी दासी है। फिर पूछा कि आप ब्रह्मा को प्रेम करते हैं? भगवान कहते हैं मैं तो रोज ही अनंत ब्रह्मा बनाता हूं, एक एक ब्रह्मांड के अनेक अनेक ब्रह्मा है। बोले आपको इस जगत से प्रेम है? ठाकुर जी बोले मेरी ये तो ग्रहपटी का विलास है जगत। फिर उस भक्त ने ठाकुर जी को पूछा कि आपको वृंदावन से प्यार है? तो वृंदावन का नाम सुनते ही मेरे बांके बिहारी श्री कृष्ण की आंखों में आंसू भर गए। बिहारी जी मेरे श्री कृष्ण बोले उस भक्त को कि भैया मैं लक्ष्मी को भूल सकता हूं, मैं ब्रह्मा को भूल सकता हूं, मैं इस जगत को भी विसार सकता हूं, परंतु मैं अपने प्रिय धाम श्री वृंदावन को नहीं भूल सकता। तो जहां बैठकर के आप कथा सुन रहे हैं ये वृंदावन की पवित्र भूमि है, यहां श्रवण करने को भागवत मिल रही है। आप लोग घर में ठाकुर जी की पूजा भी करते हो, अर्चना के द्वारा, वंदनम के द्वारा, अनेक भाग के द्वारा आप ठाकुर जी की पूजा करते हो, पर भागवत में कहा है कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सक्षम आत्मनिवेदनम। जब तक तुम सत्संग का श्रवण नहीं करोगे तब तक ठाकुर जी का कीर्तन की महिमा को नहीं समझ पाओगे, तब तक ये भी पता नहीं होगा हमें कि हम ठाकुर जी को जो प्रणाम कर रहे हैं इसकी महिमा क्या है। जैसे आप लोग प्रणाम करते हो प्रभु को, इसकी महिमा क्या है? प्रभु की चरण सेवा की महिमा क्या है?
भगवान की विग्रह की जो हम सेवा करते हैं इसकी महिमा क्या है? भगवान के प्रति जो हमारा दासत्व है इसकी महिमा क्या है? भगवान के प्रति हमारा जो सक्ष भाव है इसकी महिमा क्या है? आत्मनिवेदन का क्या अर्थ है? आत्मनिवेदन कैसे किया जाए ठाकुर जी को, इसको समझना है। तो जब तक हम भगवान की कथाओं को श्रवण नहीं करेंगे तो हम नवधा भक्ति को समझ ही नहीं पाएंगे। ये ठाकुर जी के जो समीप पहुंचने के जो ये रास्ते हैं, ये मार्ग है, ये कैसे हम समझें? तो श्रवण से ही, कथा के श्रवण से ही ये बात समझ आएगी। इसलिए सबसे पहली भक्ति ही श्रवण भक्ति बताई है। कथा, और कथा के बाद फिर है मथा, और फिर है व्यथा। प्रेम से कहो श्री राधे। कथा, मथा, और तीसरा है व्यथा। यदि जीवन की व्यथा को मिटाना हो तो कथा को श्रवण करने के बाद थोड़ा इसको मथना भी, मथा मथा। तो निश्चित ही ये कथा हमारे जीवन की व्यथा को भी मिटा देती है। कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ये भागवत का श्लोक है। मैं निवेदन करूं, आप सब जरूर बोलिए, मैं टुकड़े करके बोल रहा हूं। इस श्लोक में ठाकुर जी को प्रणाम किया है। बोलिए, सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, विश्वोत्पत्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, श्री कृष्णाय वयम नमः, श्री कृष्णाय वयम नमः, श्री कृष्णाय वयम नमः, श्री कृष्णाय वयम। एक राजा था, एक बार अपने अश्व पर सवार होकर, क्योंकि उस राजा के मन में अपने प्रजा के प्रति बहुत प्रेम था, मेरे राज्य में कोई दुखी तो नहीं है, सब प्रकार से सुख है, इस बात को मन में विचार करके वो राजा अपने प्रजा के सुख दुख का ख्याल करने के लिए एक दिन अश्व पर सवार होकर के निकला। तो देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति था और वो भोजन बनाने के लिए चूल्हा जला रहा था, रोटी बनाने के लिए। वृद्ध शरीर लगभग 75 की एज होगी, 75 साल की आयु थी। तो देखा कि वो वृद्ध व्यक्ति चूल्हा जला रहा था, अकेला था। तो अपने घोड़े से राजा उतरा और उतर करके उस वृद्ध व्यक्ति के पास राजा गया, जाकर के उसको प्रणाम किया और कहा कि महाराज, आपको देख के लगता है कि आप बेसहारा हैं, आप अकेले यहाँ बैठ करके भोजन बनाने की तैयारी कर रहे हैं, कोई आपका है नहीं क्या आगे पीछे? आप अकेले हैं, आपका कोई सहारा नहीं है। तो एकदम वो वृद्ध व्यक्ति खड़ा हो गया और खड़ा होकर के उस व्यक्ति ने कहा कि मेरे राजा, तीन सहारे हैं,
अब वहां कोई व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा था। तो राजा ने पूछा कि आपके तीन सहारे कौन से हैं? तो सबसे पहले उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि राजा, मेरा पहला सहारा है काया, शरीर, प्रेम से कहिए शेरा। ध्यान रखना, साधना के लिए और संसार को भोगने के लिए दोनों के लिए शरीर की आवश्यकता होती है। यदि शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो संसार को भी नहीं भोग पाओगे और साधना भी नहीं कर पाओगे। इसके लिए पहले काया को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। श्रीमद् भागवत में ये बात आई है, जिस कथा को श्रवण करने जा रहे हो, दशम स्कंद के उत्तरार्ध में आप सुनेंगे कि भगवान श्री कृष्ण प्रतिदिन अमृत वेला में उठा करते थे और उठकर के भगवान प्रातःकाल मॉर्निंग वॉक करते थे, प्रातःकाल का भ्रमण करते थे। मैंने 5 बजे ठाकुर जी जाकर के भ्रमण करते थे। अब आप बताइए, आप में से कितने 5 बजे उठ करके भ्रमण करते हो? वाह, स्वस्थ रहना जरूरी है। काया को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है, भजन के लिए भी और भोग के लिए भी। भजन भी नहीं होगा और भोग भी नहीं भोग सकते हो, संसार का सुख भी नहीं ले सकते। अब रात को मैं किसी को कहता हूं कि भैया सुबह 4 या 5 बजे सोकर के उठो, लोग कहते हैं कि गुरुदेव हम सोते ही 2:30 बजे हैं, प्रेम से कहो श्री राम। तो मैंने कहा फिर तो तुम निशाचर हो, प्रेम से कहो श्री राम। निशाचर जो रात को चले चले चले, निशाचर। ठाकुर जी हमारे भागवत में बताते हैं कि अमृत वेला में कृष्ण सोकर के उठते थे और उठने के बाद प्रातःकाल का भ्रमण करते थे, क्योंकि काया को स्वस्थ रखना परम आवश्यक है भैया। और दूसरा कर्म, हमारे कर्म श्रेष्ठ होने चाहिए, अच्छे कर्म से जुड़िए, गलत काम से दूर रहिए। किसी ने मेरे से पूछा कि गुरुदेव अगर हम कर्म में निष्ठा रखें तो फिर हमें ठाकुर जी की तो कोई जरूरत नहीं है ना, हम कर्मनिष्ठ बने रहें। नहीं नहीं, ये गलती मत करना। प्रभु की आवश्यकता तो कर्म में कितने भी आपकी निष्ठा क्यों ना हो, आप कर्मनिष्ठ कितने भी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी ठाकुर जी की जरूरत है। क्यों? क्योंकि कर्म करते हुए व्यक्ति कर्म में थोड़ा हेरा फेरी जरूर करता है, पर ठाकुर जी को याद करते हुए यदि हम कर्म निष्ठा बनाए रखेंगे तो हमें हमारे कर्म में प्रभु हेरा फेरी नहीं होने देंगे। इसलिए ठाकुर जी को याद भी करिए, कर्मनिष्ठ भी बनिए, लेकिन उसके साथ साथ भजन निष्ठ भी होना जरूरी है, प्रभु को याद करना भी जरूरी है। कर्म करते हुए यदि ठाकुर जी को हम याद रखते हैं तो कर्म में हमारे हेरा फेरी प्रभु नहीं होने देते, हमको गलत रास्ते से ठाकुर जी खींच लेते हैं। इसलिए पहला काया स्वस्थ हो, दूसरा हमारे कर्म श्रेष्ठ हो, और तीसरा उस वृद्ध व्यक्ति ने राजा को कहा था कि काया, कर्म और तीसरा मेरा सहारा मेरे जीवन का है भगवत कथा, कथा सत्संग, जिससे मुझे प्रेरणा प्राप्त होती है। कथा बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। कितात स्वर्ग अपवर्ग सुख, घरे तुला एक अंग,
तोलनता ही सकल मिली जो सुख लब सत्संग। तो जिस भागवत को हम श्रवण करने जा रहे हैं भैया, ये भागवत सत्संग है, भागवत कथा है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। जो सत रूप हैं, चिद रूप हैं, आनंद रूप हैं, विश्व की उत्पत्ति स्थित और प्रलय के जो मूल कारण हैं, तीनों प्रकारों के जो ताप हैं, उन तीनों तापों को जो दूर करने वाले हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम सब प्रणाम करते हैं। कहिए श्री कृष्णाय वयम् नमः। श्री कृष्णाय वयम् नमः। श्री कृष्णाय वयम् नमः। श्री कृष्णाय वयम् नमः। कैसे प्रणाम करोगे? आओ, ये भाव गाते हो ना मेरा, ऐसे इस भजन को गाते ठाकुर जी को थोड़ा प्रणाम करो। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मेरी श्वास श्वास में